मौसम तो बहुत ही प्यारा हो रहा है यार मम्मी आज। ये दो छतें देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं। ऐसा अगर रेंट पे घर मिल जाए तो मैं ले लूँ। तो ये थी, मैं वापस ऊपर लेके आया हूँ आपको, वापस ऊपर ले आया, छत पे से नीचे आ रही थी। आएगा भी बताता हूँ इतनी देर से घर से गायब है ये। कैसे देखो छत देख रहे हो मम्मी, देखो आप यहाँ की छत की क्वालिटी देखी, छत कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी छत है यहाँ पे। कन्फ्यूज हो गई, क्या था यहाँ पे, क्या देख लिया, क्वालिटी मतलब किस चीज की क्वालिटी, मतलब बाहर ये जगह ना बरामदे हैं लोगों के घरों के बाहर, हाँ। लेकिन जरा भी गंदगी नहीं है, हाँ। जरा भी देख रही, सारी छतें साफ है। अरे मम्मी दिल्ली नहीं है ये, गुजरात है भैया। तो बड़ी चीज है कि इस वीडियो में चैलेंज करने वाले, चैलेंज ऑर्गेनाइज करेंगे मम्मी, देखो डिपेंड करता है बैटर पे, ओ बैटर 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 की बात, बैटर की बात, जो बैटर है वो अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा। अरे सब चल, सब सब चल रहा है। अरे कई बार क्या होता है गरम गरम पे पड़ जाएंगे ना, चैलेंज ही बता नहीं देंगे हो गया। अब मैं बोलूँ तो चैलेंज इस वीडियो में ये है कि आज हम बना रहे हैं डोसा, और हमें चैलेंज ये, हम तीनों के बीच चैलेंज है, मम्मी मैं और नम्रता, हम तीनों के बीच चैलेंज ये होगा कि सबसे ज्यादा गोल डोसा और सॉफ्ट डोसा कौन बना सकता है। ठीक है, ओहो क्या बनाती ये देखो, पहले से अब मैं डोसे बनाती थी, ये दिया अभी ये नहीं बनी। तो चैलेंज यही है कि आज सबसे ज्यादा मम्मी गोल डोसा और सॉफ्ट डोसा कौन बनाएगा, नम्रता मेरे और मम्मी के बीच चैलेंज है। ये अमन राज मेहरोत्रा आज आपको डोसे बनाने सिखाएंगे, चलो ठीक है। कैसे बनते हैं, हम लोग तो बना ही लेते हैं, हम लोगों का क्या है, लेते। और अगर जीता मैं तो मुझे क्या मिलेगा, जीतने वाले को भैया कोई गिफ्ट तो मिलना चाहिए, को मिलेगा डोसा खाने को मिलेगा, मतलब डोसा तो जैसे भी जो बनाओगी वो तो वैसे भी खाएंगे, चाहे वो अच्छा बने ना चाहे ना बने, खाने को वही मिलेगा डोसा, ऐसा नहीं होता मम्मी, उसके साथ सांभर भी दे देंगे, ऐसी क्या बात है, खाली डोसा नहीं देंगे। और शुक्र है मम्मी आपका मेरे को डोसे का, अरे मम्मी शुक्रिया भैया, शुक्रिया मम्मी, मेरे को डोसा कच्चा नहीं खाना, मेरे को डोसा रूखा रूखा नहीं खाना पड़ेगा, सांभर मिलेगा साथ में, मेरे को आलू भी मिल जाएंगे मम्मी, आलू आलू मसाला वाला, अरे थैंक यू मम्मी थैंक यू, वाह भैया वाह, धन्य हो गया मैं तो यार। तो गाइस हम लोग अभी किचन में आ चुके हैं, कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला है हम तीनों के बीच में, ये बनाएंगे डोसा, ये बनाएंगे डोसा, इधर देखो जाते डोसा बनाना आता है ना आपको, नहीं नहीं मेरे को नहीं आता, तुम्हें आता डोसा बनाना, आता है ना, चलो ठीक, मेरे को तो आता ही, मैं तो एक्सपर्ट हूँ ही। तो पहले आप दोनों में से कौन बनाएगा डोसा, आप बनाओगे या वो बनाएंगे, एक्सपर्ट के मैं बताओ डोसा कौन बनाएगा, पहले आप बना रही हो या वो बना रहे, मैं नहीं बनाऊंगा पहले, मैं बाद में बनाऊंगा, मैं खाऊंगी, मैं खाने आई हूं, एक्सपर्ट लेवल बाद में बनाता हूं, खाने आई हूं ना, अच्छा खाओगे, तो पहले तुम बना रही हो, चलो पहले पहला राउंड नम्रता का, ठीक है। जिसके जिसके सही हाथ नहीं बैठता हाँ, जिसके सही बन गए वो ही बनाएगा, सही बन गए तो मैं बना दूंगा, ठीक है डन डन, अगर मेरे सही बने तो मैं बनाऊं, प्रॉमिस पक्का मैं बनाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें तो आदत नहीं है बनाने की, जैसे नहीं आपको आदत ना, पतला कर देते हैं, तवा रेडी हो चुका है, तवा एकदम तप चुका है, गर्म हो चुका है, और नम्रता मैडम सबसे पहले जा रही हैं, तो हल्का तवा, हाँ तवा तो तप गया, मतलब गर्म करके एक बार छोड़ दिया तवा, ऐसा तिम तवे पे, हाँ तिम तवे पे ही होगा ये स्टार्ट, चलो 3 2 1 गो, पहला राउंड नम्रता का, पहली बार ही आ रहे हुआ, परफेक्ट नम्रता तुम तो अनबीटेबल, मुझे लगता है यही बनाएगी अभी डोसा भी यही बनाएगी ये मम्मी, इसमें से आउट ऑफ 10 कितनी रेटिंग मिलनी चाहिए, 10 out of 10 नम्रता का डोसा रेडी एंड शी हैज गॉट 10 on 10 गुड जॉब, अब ये चली जाएंगे मैडम, अब करें रेस्ट, आपका हो गया काम खत्म, आगे की वीडियो में सिर्फ मैं और मम्मी रहेंगे, तो बनाने से पहले पूछ रही है, अरे मम्मी आ गई हैं, ओन ओ मम्मी मम्मी, मम्मी आए, ओ भाई साहब जोश में एकदम, ओ बॉय मम्मी, अरे जबरा बनाया मम्मी पहली बारी में तो आपने, डर लग रहा है मेरी बारी अगली बारी वाली बात हो गई, तो उन्होंने एकदम 10 on 10 वाला काम किया, उन्होंने हाउ मच रेटिंग डू यू वांट टू गिव सासुमा, डर के मारे 10 on 10 देने की जरूरत नहीं है, 1 on 10 भी दे सकते हैं, 2 on 10 भी दे सकते हैं,
11 ऑन 10 आप एक एक्स्ट्रा देंगे, ये है सासू माँ का खौफ। मजाक कर रहा हूँ, मजाक नहीं नहीं नहीं, वो बड़ी प्यारी सी मम्मी, मतलब कितनी क्यूट सी मम्मी, मतलब यार ऐसे कोई खौफ वाली बात नहीं, मजाक करने की बात। 11 ऑन 10 भाई, मतलब यार एक बारी में प्रॉपर नहीं आई है, थोड़ा सा मोटा भी है, बना सकता ना, फिर भी ये कोशिश जारी रहनी चाहिए। थैंक यू, देखा आप बोल रहे हैं, हालांकि पॉइंट्स का मैं तो क्या हो गया, बट ठीक है, आप पता लगे ना बेटा, देखो लेडीज खाना बनाने में एक्सपर्ट होती है, वो तो सीख गया, मम्मी से कोई जीत नहीं सकता खाना बनाने, नहीं नहीं चाहे कुछ, ये ऐसा नहीं है, जेंट्स जब खाना बनाते हैं तो वो इतना बढ़िया बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाते हैं, वो लेडीज से भी ज़्यादा अच्छा बनाने के उसमें। पापा बनाते हैं, पापा तो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, पूरा खाना बनाते, पापा पूरा खाना बनाएंगे, पापा और किचन संभालने के लिए दीजिए पापा की, तो मेरे को आज तक मम्मी एक बार मेरे को याद है, जब मैं बहुत छोटा था तो पापा ने एक बार पता नहीं ऐसे डिसाइड किया कि आज खाना बनाओ, छुट्टी का दिन था, मुझे अभी भी दिन याद है, सब्जी क्या बनाई थी, सिंपल प्लेन आलू की सब्जी बनाई थी, करी वाली आलू की सब्जी, याद है आपको, करी वाली, करी वाली बनाई थी आलू की सब्जी, और वो क्या बनाई थी, मतलब यार मिर्च मसाले सब अपने साथ खिला रहे थे पापा, प्रांची भी पापा ने ही सीखी थी, सब पापा ने, पूरा खाना पूरा खाना पापा ने सीखा था, A to Z, सैलेड सब्जी रोटी चावल सब पापा ने बनाया, अब ये आप बदलेंगे या मैं? यस मैं ही बदलूंगा, दे दो शाबाश शाबाश। सो गाइस अभी मम्मी मेरी मेरा डोसा बना रही है, सो आई गॉट 6 आउट ऑफ 10 या तो 8 आउट ऑफ 10 बना, 8 होगी, चलो बेटा तो आज मम्मी ने 8 पॉइंट मेरे को दे दिए, बताया 8 बच्चे भी गए इसके लिए, क्योंकि वो बीच में से टूटा नहीं है, हां बीच में टूटा नहीं, पूरा प्रॉपर एक बना है, ऐसा भैया काम थोड़ी ना है अपन में, मतलब बना लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, किचन में खाना हम पूरा बना लेते हैं, मेरे को पूरा खाना बनाना आता है, बट ये कि अब हाथों में जो होती है कलाकारी वो अपने में इतनी है नहीं, वो करते करते से अपने आप ही आती है, ये तो बनाते रहो, वो तो बनाते रहोगे तो आ ही जाएगी, ऐसा नहीं है आती नहीं है, आ जाती है वक्त के साथ, सब आ जाता है भैया, वक्त सब सिखा देता है, सांभर डोसा रेडी, सब तैयार हो गया, और ऑफकोर्स मम्मी चैलेंज जीत चुके हैं हम दोनों से, मम्मी फर्स्ट आई है, नम्रता सेकेंड आई, मैं थर्ड आया हूँ, और ये रहे सांभर डोसे का मसाला, आलू वाला आलू की सब्जी, ये रही ये है नारियल की चटनी, ये रहा सांभर, ये रहे अपने डोसे, अब खा लेते हैं क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही है, सो गाइस हमारा डिनर हो चुका है, चैलेंज भी खत्म हो चुका है, चैलेंज में मम्मी जीत चुके हैं, सेकंड ये आई है, थर्ड में आया हूं, एज यूजुअल मेरे को क्यों आई है, क्यों उसने आपको 11 ऑन 10 दिए, इसने 10 ऑन 10 दिए, वो तो होते ही नहीं है, 11 ऑन 10 उसके बाद भी बन गया था, तो ऐसी बोल गया, उसके बाद सबसे अच्छा डोसा इनका बना, फिर इसका बना, मेरा तो पता ओवर बना, बट मेरे को 6 मिलने थे, आपने 8 दे दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तो फिलहाल ब्लॉग एंड कर देते हैं, मैं ब्लॉग थोड़ा सा पीछे से उस तरह से भी पसंद आ गया, तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्या बोलते हैं मम्मी, सब्सक्राइब करना सबको नींद आ रही है।